प्यारे भाइयों एवं बहनों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हाँ, ये नारा जो है लगभग जो है लोग भूल चुके हैं, और आज इस नारा को जो है प्रखर करने के लिए आज मोहल्ला के जो विद्यार्थी लोग हैं वो हमारे साथ जो हैं, और ये लोग को नेतृत्व जो है एक युवा कर रहे हैं, जिनसे आपको हम मिलाने का कोशिश करेंगे। इस युवा के द्वारा में जो है एक मोहल्ले के बच्चों को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत जो है ये दोनों जो है सिखाया जा रहा है, और ताकि वह भूल नहीं सकें, और राष्ट्रीय जो पर्व है वह से जो है याद रखा जाए। इस कोरोना ने तो जो है हमारे भारतीय पर्वों को और यहाँ तक के राष्ट्रीय पर्व को भी जो है फीका कर दिया है, तो आज हम जो है आपको दिखाना चाहेंगे इस एक्टिविटी को, जहाँ पर बच्चे जो है जन गण मन का अभ्यास कर रहे हैं। चूँकि यह सब काम जो है स्कूल वाले का हुआ करता था, तो आज स्कूल तो बंद है, जिसके कारण जो है बच्चे ये भी भूल जाएंगे। तो इस वीडियो को बनाने का एकमात्र उद्देश्य है कि आप जो है अधिक से अधिक लोग अपने गली मोहल्ले में बच्चों को राष्ट्रीय गान कम से कम सिखला दें, उन्हें यह याद रहे कि जो है जन गण मन क्या होता है, और गणतंत्र दिवस क्या है, और स्वतंत्रता दिवस क्या है, उनके मन में जो है वो राष्ट्रीय भाव उत्पन्न हो, जिसके लिए यह जो है एक्टिविटी आपको हम दिखा रहे हैं। ये लोग जो है परेड करने के बाद में देखिए कैसे जो है अपना लाइन को पुनः जो है बनाने में सफल हो रहे हैं। बहुत अच्छा जो है इन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इन्हें बताया जा रहा है किस तरह से वे जो है सही ढंग से गणतंत्र दिवस मना पाएंगे, इसके लिए इन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है इस युवा के द्वारा जो है। चलिए हम मिलेंगे इस युवा से भी।
जैसा कि आपको हम बताए थे कि एक युवा के द्वारा जो है इस तरह से बच्चे लोगों को उत्साहित किया जा रहा है और वो युवा ये सामने हैं। चलिए हम इनसे आपको परिचय कराते हैं। एक बार अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम चेतन प्रसाद हुआ। चेतन प्रसाद ठीक है। मैं बच्चों को इधर देख कर अच्छा हाँ मैं इन बच्चों को ऐसे ट्यूशन क्लासेस भी देता हूँ, बट देखा कि लॉकडाउन की वजह से बच्चे नए स्कूल जा रहे हैं और राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान भी भूलते जा रहे हैं। हाँ। जिस वजह से मैंने सोचा कि मेरे क्लासेस में जो बच्चे हैं कम से कम उनको मैं करवाता हूँ, तो उनको देखा देखते देखते कुछ और भी बच्चे हैं, उनके मित्र जो हैं वो सभी सोचे कि नहीं सर हम लोग भी करेंगे। मैं बोले चलिए आइए सीखिए, तो आज बच्चे दो चार दिन के बाद इतने तक पहुँच पाए हैं, अपने से अब परफॉर्मेंस देने का कोशिश भी कर रहे हैं और अभी भी हम लोग प्रयासरत हैं कि और ज़्यादा बेस्ट अगर कर सके तो ज़्यादा अच्छा है। अभी तो समय बचा हुआ है। हाँ। अभी तो आपका जो है 20 तारीख है। हाँ। तो आने वाला जो अभी 5 दिन अभी रिहर्सल के लिए बाकी है। हाँ। तो हम भी देखे तो हमको अच्छा लगा और ये वीडियो बनाना सोचे कि और भी कुछ लोग जो है इससे जागरूक हो करके और बच्चे लोगों को कम से कम जन गण मन राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान तो कम से कम सिखला दें, जो कि स्कूल किया करता था सब दिन। और कोरोना काल में तो स्कूल बंद हो गया था, सब लोग भूल रहे हैं लगभग लगभग। तो ये कम से कम राष्ट्रीय जो पर्व है 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, ये सबको तो कम से कम आप कायम रख रहे हैं और इसको बरकरार रखने के लिए आप लोगों को भी उत्साहित कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ये जो है किस तरह से जो है आप मनाएंगे, ये रोड पर ही मनाने का कार्यक्रम होगा? हाँ, इसी प्लेस में हम लोग को मनाने का कार्यक्रम है, कार्यक्रम सोचा तो यही गया है। हाँ। अब इसमें मेन मकसद था हम लोगों के कि राष्ट्र के प्रति क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। हाँ। गणतंत्र दिवस का वो हम लोग को बच्चों को समझाना था। उसमें आगे बच्चे भी बढ़ चढ़ करके आए, अभी जैसे शाम में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुबह में भी ग्राउंड में खुद से प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा अच्छा, सुबह ये सब अपने आप में भी एक अपना एम्पावरमेंट दिखा रहे कि नहीं सर हम लोग भी इसमें चाहते कि हम लोग कुछ सीखें। ठीक है, तो हम लोग को भी लालसा है कि हाँ बच्चे कुछ और अच्छा सीखे, कुछ और अच्छा करें, इनकरेज कर रहे हैं। हाँ, इनकरेज हम लोग कर रहे हैं बस। चलिए बहुत अच्छा, आपको धन्यवाद कि आपने भारत माता की जय का कम से कम नारा लगवाया और जन गण मन और वंदे मातरम याद करवा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी भाई बंधुओं से आग्रह करूंगा कि अपने अपने मोहल्ले में कम से कम इस गणतंत्र दिवस को बहुत अच्छे ढंग से, जैसा कि ये युवा जो है अभी जो है संचालित किए और कार्यक्रम को बढ़ा रहे हैं, उसी तरह से आप सभी से भी आग्रह होगा कि आप लोग भी अपने अपने मोहल्ले में सही ढंग से जो है गणतंत्र दिवस मनाने का कार्यक्रम रखें। राजनीति की पाठशाला से अनुज कुमार शर्मा, धन्यवाद।